शाम आज की मुरली के मुख्य बिंदु रंगीन अक्षरों में पढ़े और सुने व मंथन भी करें। पहला पॉइंट है मीठी बच्ची, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप की मत पर चलना है। तुम्हें रहना गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनना है, एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है और किसी का कहना नहीं मानना है। कभी भी डिसर्विस नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो। ये बच्चे, तुम बच्चे होकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना। ये बच्चे, तुम बच्चे होकर, तुम हमारे बच्चे हो, तुम यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन। तीसरा पॉइंट है जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। नंबर चार, तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठे। पांच, बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में चीरखंड होकर रहना है। नंबर छह, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। ओम शांति। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई आपका प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।